नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। जहां पर पहली बड़ी खबर में जानेंगे, यहां पर बीजेपी के ही नेता ने ऐसा ट्वीट कर दिया है मशीनों को लेकर के कि हड़कंप मचा है, वोट किसी को भी दो जाएगा बीजेपी को। ये यहाँ पर ट्वीट किया है बीजेपी के ही नेता ने, और जानेंगे क्या है मामला। इसके साथ ही बताएंगे पीएम मोदी को लेकर के आरटीआई से चौंकाने वाला खुलासा हो गया है। इसके साथ ही आप लोगों को खबर में विस्तार से बताएंगे कि यहां पर बीजेपी के नेताओं के पासपोर्ट जब्त करने की विपक्षी नेताओं ने मांग शुरू कर दी है, क्या कुछ अपडेट आ रही है जानेंगे विस्तार से। आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। और वहीं जानेंगे खबर में कि चुनाव के बाद ईवीएम लेकर के जा रही गाड़ी का हादसा हो गया है, आखिर क्या कुछ है पूरा मामला। हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, जानेंगे कि केजरीवाल के सर्वे में यहां पर किस पार्टी की वापसी हो रही है सत्ता में, कौन सी पार्टी आ रही है, जानेंगे केजरीवाल का सर्वे क्या कुछ कहता है। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि इस बार के चुनाव में जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही दोस्तों कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, खबर बताते चले आप लोगों को। यहां पर आ रही है उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान, बीजेपी के प्रमुख नेताओं के पासपोर्ट जब्त करो क्योंकि ये 4 जून के बाद सभी भागने वाले हैं। जी हां दोस्तों, देख सकते हैं कि बेहद ही बड़ा बयान दे दिया है संजय राउत ने। उनका कहना है कि 4 जून के जब नतीजे आएंगे उसके बाद में बीजेपी के कई बड़े और दिग्गज नेता यहां पर भागने वाले हैं, इसलिए सभी बीजेपी के बड़े नेताओं के पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से जब्त किए जाएं। दोस्तों आप लोग सहमत हैं संजय राउत के बयान से या नहीं, क्योंकि संजय राउत के बयान को अगर देखा जाए तो उन्हें पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रहा है पूर्ण बहुमत के साथ में। यह यहां पर खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीबी ने किया ट्वीट और कहा कि अब तो बीजेपी ने भी आधिकारिक रूप से आज स्वीकार कर लिया है कि बटन किसी का भी दबाओ, वोट भाजपा को ही जाएगा। दरअसल दोस्तों बताते चलें, बीजेपी हरियाणा ने अपने आधिकारिक हैंडल से एक वीडियो जारी किया है जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि यहां पर बटन दबाया गया पहले नंबर पर, जबकि भाजपा का चुनाव चिन्ह था दूसरे नंबर पर और वोट गया भाजपा को ही। बीजेपी हरियाणा ने वीडियो ट्वीट किया और फिर डिलीट भी किया है। ईवीएम में बटन ऊपर वाले खाने में दब रही है, बत्ती कमल के फूल पर जल रही है, और अब ये ट्वीट करने वाले से पूछा जा रहा है कि असली खेल उजागर आखिर क्यों कर दिया भाजपा पर ही। देख सकते हैं कि सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, किस तरह से यहां पर गड़बड़ियां की जा रही हैं। अब तो यहां पर खुले तौर पर बीजेपी भी ऐसे ट्वीट करने लगी है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, चौंकाने वाला दोस्तों खुलासा हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक झोले वाले फकीर ने पिछले 10 साल में सिर्फ करीब 15 करोड़ रुपए का खाना खाया है। जी हाँ दोस्तों, 15 करोड़ रुपए का खाना खाया गया है पिछले 10 सालों में। कपड़े, मेकअप और हवाई यात्रा के खर्च का हिसाब अभी नहीं मिला है। आम आदमी को सिर्फ 5 किलो अनाज महीने के लिए देते हैं और खुद एक दिन में 41,000 से भी ज्यादा का खाना खा लेते हैं। अब समझ में आया कि इसी भूख को मिटाने के लिए सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने भी पूरे मामले पर घेरा है जबरदस्त तरीके से और कहा है कि वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित ने ये खुलासा किया है। देख सकते हैं कि आरटीआई से खुलासा हुआ है, जानकारी रही है कि पिछले 10 सालों के दौरान में यहां पर 15 करोड़ रुपए का खाना खाया गया है पीएम मोदी के द्वारा। ये यहां पर आप लोग जरूर ही अपनी राय जरूर ही बताइएगा आरटीआई के इस चौंकाने वाले खुलासे पर दोस्तों।
इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, चुनाव के बाद में ईवीएम लेकर के जा रही गाड़ी का हादसा हो गया है। बिहार के वैशाली में ईवीएम ले जा रहे वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर एक युवक और दो बच्चे बैठे थे, तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। भड़के लोगों ने मजिस्ट्रेट की गाड़ी को घेर करके उस पर पथराव भी किया है। ये खबर सामने निकल के आई है दोस्तों बिहार से। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को यहां पर बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां दोस्तों, केजरीवाल बोले कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो नतीजे आ रहे हैं उससे साफ है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पर 300 से भी ज्यादा सीटें यहाँ पर मिल रही है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है 4 जून के बाद में। ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। आप लोग अगर केजरीवाल के बयान से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर ही दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बताते चले, बीजेपी के प्रत्याशी पर चुनाव आयोग का डंडा चला है। बीजेपी के उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय, जो कि हाई कोर्ट के यहां पर पूर्व जज भी हैं, उन पर डंडा चला है चुनाव आयोग का। अभिजीत गंगोपाध्याय के चुनाव प्रचार पर इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे तक यहां पर रोक लगा दी है। उन्होंने ममता बनर्जी के लिए विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद में टीएमसी चुनाव आयोग में पहुंची और अब यहां पर चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसे यहां पर भद्दी भाषा का बिल्कुल भी उपयोग ना करें कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी थी। यहां पर ममता बनर्जी को लेकर के उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि जो कि सार्वजनिक तौर पर बताया भी नहीं जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को यहां पर बताते चलें, सोनीपत में यहां पर लगातार हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी खदेड़े जा रहे हैं। सोनीपत से बीजेपी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली के बिगड़े बोल, मेरा विरोध करने वाले किसान नहीं देश विरोधी ताकतें हैं। ये यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी का कहना है, लगातार भाजपा के नेता खदेड़े जा रहे हैं और अब यहाँ पर किसानों को लेकर के बीजेपी के नेता विवादित बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, हरियाणा की बीजेपी सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को किसानों ने घेर लिया, उनसे कहा किसानों पर गोली, आंसू गैस के गोले आखिर क्यों चलाए। इस पर अनिल विज ने कहा, मैं तब गृह मंत्री था, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता हूं। यह यहां पर कहना है अनिल विज का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो पूरे देश ने जश्न मनाया, मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था और यहां पर प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति को आखिर क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि वे आदिवासी हैं। अगर भाजपा को एक भी सीट झारखंड से मिली तो यह दमन और भी बढ़ेगा भाजपा के द्वारा। ये कहना है केजरीवाल का, अगर आपने कमल का बटन दबाया तो हेमंत सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो 4 जून को नतीजे आएंगे और 5 जून को हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे। ये यहां पर हुंकार भरी है केजरीवाल ने। इस समय के दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर रहे हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।